तो कैसे आप लोग लोग फाइनल ईयर गाइस काफी ज्यादा वेट करने के बाद परसों यानी कि 15 अगस्त वाले दिन CBG यानी कि क्रिकेट बैटल ग्राउंड गेम जब ऑफिशियली लॉन्च हुआ तो मैंने इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करा। अच्छा, ये गेम सिर्फ क्रिकेट बैटल ग्राउंड की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही लॉन्च हुआ जो कि इनकी खुद की वेबसाइट है एंड ये गेम ऑफिशियली प्ले स्टोर पर लॉन्च नहीं हुआ है। तो भाई ये जब गेम मैंने डाउनलोड करा फिर इसको इंस्टॉल करा उसके बाद जब मैंने इसको ओपन करा तो मैंने वीडियो भी साथ ही साथ रिकॉर्डिंग पे लगाई हुई थी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करा था ताकि मैं आप लोगों से इस क्रिकेट गेम का रिव्यू शेयर कर पाऊँ कि ये गेम दोबारा रिलीज़ हुआ है विद न्यू ग्राफिक्स अपडेट्स, कि भाई ये गेम दिखने में कैसा है और मतलब क्या कुछ अपडेट आया गेम के अंदर, क्या कुछ चेंजिंग्स हुई हैं ग्राफिक्स में, क्या कुछ इंप्रूवमेंट हुई है, कौन सी नई चीज़ ऐड हुई है वगैरह वगैरह सब कुछ, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसको इंस्टॉल करके ओपन करा, रिकॉर्डिंग भी चल रही थी, तो आगे सामने प्रॉब्लम देखने को मिली है। वो प्रॉब्लम ये थी कि मुझसे इंडियन फ़ोन नंबर मांगा जा रहा था जो कि मेरे पास था नहीं बिकॉज आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो भाई की इंडियन फ़ोन नंबर डाल नहीं सका बिकॉज मेरे पास तो था नहीं। तो कहने का साफ साफ मतलब ये होगा कि ये गेम जो है ना जस्ट इंडिया में ही लॉन्च हुआ है, बाकी किसी भी फॉरेन कंट्री में लॉन्च नहीं हुआ, मतलब किसी फॉरेन कंट्री के लिए लॉन्च नहीं हुआ है। तो बाकी एंड पे मतलब वीडियो के एंड पे मैं आपको एक सोल्यूशन बताऊंगा जिससे आप लोगों की सारी टेंशन दूर जाएगी कि भाई आप लोगों ने इस क्रिकेट गेम को विदाउट इंडियन फ़ोन नंबर लॉगिन किए कैसे इंजॉय करना है अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में, ठीक है। तो बाकी वीडियो को लास्ट तक देखते हुए लाइक एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन बॉल पे दबा कर रखना इन फ्यूचर में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले देखने जाने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, यू आर वाचिंग टेक्निकल गेमिंग स्टूडियोज यूट्यूब चैनल। ऑलराइट, तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ निकल कर आती है कि भाई ये जो गेम है इंडियन के लिए ही लॉन्च हुआ है, बट ये चीज़ कन्फर्म है कि भाई ये गेम जो है ना बीटा वर्जन में है, मतलब बीटा टेस्ट में चल रही है, इसीलिए जस्ट आप लोगों से इंडियन फ़ोन नंबर मंगा जा रहा है, मतलब ये गेम जस्ट इंडिया में ही लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो बाकी इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, गेम जब ऑफिशियली ग्लोबली लॉन्च हो जाएगा तो प्ले स्टोर पर भी आ जाएगा, प्ले स्टोर पर भी आएगा, उसके बाद आप लोग इस गेम को डाउनलोड इंस्टॉल करके खेल पाओगे किसी भी फॉरेन कंट्री में, मतलब बांग्लादेश हो, नेपाल हो, पाकिस्तान वगैरह, ठीक है। बाकी जो गेम खेलने की बात मैं आपको बता रहा था कि वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कैसे आप लोगों ने गेम को खेलना है विदाउट इंडियन फ़ोन नंबर लॉगिन किए, ठीक है। मतलब इंडियन फ़ोन नंबर के साथ आपको लॉगिन भी नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों ने क्या करना है मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वहाँ पे आपको एक लिंक देखने को मिल जाएगा, ये कि ओल्ड वर्जन है आपका, कि आप लोग ओल्ड वर्जन इंजॉय करो बिकॉज गेम के अंदर ज़्यादा कुछ चेंजिंग्स हुई नहीं है, वही सारी कुछ है, मतलब उसी तरह का गेम प्ले है, बस थोड़ा बहुत आपको ग्राफिक्स में इम्प्रूवमेंट दिख रहा होगा, कुछ रिमास्टर किया गया बाकी गेम को। बाकी अगर आप लोग फिर भी फोर्स करके खेलना ही चाहते हो, मतलब बांग्लादेश, नेपाल या पाकिस्तानी, तो बाकी आप लोग वो वाला ओल्ड वर्जन डाउनलोड करके खेल सकते हो। बाकी जो लोग इंडिया से हैं तो भाई मस्त से एकदम जो है ना लेटेस्ट वर्जन को इंजॉय करें, इंडियन फ़ोन नंबर डाल के OTP के थ्रू वेरीफाई करके इस गेम को बड़ी आराम से इंजॉय कर लें, ठीक है। तो बाकी यार मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा के रखना इन फ्यूचर में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बाकी आज रात को मैं जल्दी लाइव हो जाऊँगा बिकॉज कल रात को मैं किसी काम के सिलसिले में गया हुआ था। तो बाकी यार मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू, टेक केयर गाइस।